सब्सक्राइब कीजिए धन्वंतरी आयुर्वेदा को और बेल आइकन को दबाइए हेल्थ रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धन्वंतरी आयुर्वेदा में फिर एक नए वीडियो के साथ। होठों का कालापन, होठों को खूबसूरत बनाने के लिए आप क्या नहीं करती, लिपस्टिक, लिप बाम, मॉइस्चराइजर और ना जाने क्या क्या, लेकिन होठों पर लगाए जाने वाले कई उत्पाद वास्तव में उन्हें खूबसूरत बनाने के बजाय लंबे समय में उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप भी अपने होठों के फटने या कालेपन से परेशान हैं तो इस स्लाइड शो में बताए गए प्राकृतिक उपायों को अपनाकर अपनी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। कोको बटर, 2 बड़े चम्मच कोको बटर, आधा छोटा चम्मच मधुवैक्स लीजिए। उबलते पानी पर एक बर्तन में वैक्स डालकर पिघला दीजिए। इसमें कोको बटर मिलाएं। अब इस मिश्रण को ठंडा होने के बाद ब्रश की मदद से होंठों पर लगाइए। इससे होंठ मुलायम होंगे और उनका कालापन दूर हो जाएगा। दूध की मलाई, होंठों से रूखापन हटाने के लिए थोड़ी सी मलाई में चुटकी भर हल्दी मिलाकर नियमित रूप से धीरे धीरे होंठों पर मालिश करें। आप देखेंगे कि इस घरेलू उपाय से कुछ ही दिनों में आपके होंठ मुलायम और गुलाबी होने लगेंगे। गुलाब की पंखुड़ियां, होंठों के कालेपन को दूर करने के लिए गुलाब की पंखुड़ियां बहुत ही फायदेमंद होती है। इसके नियमित इस्तेमाल से होठों का रंग हल्का गुलाबी और चमकदार हो जाएगा। इसके लिए गुलाब की पंखुड़ियों को पीसकर उसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन मिलाकर इस घोल को रोज रात को सोते समय अपने होठों पर लगाकर सो जाएं और सुबह धो लें। नींबू, क्या आप जानते हैं होठों को कालापन नींबू से भी दूर हो सकता है। इसके लिए आप निचोड़े हुए नींबू को अपने होठों पर सुबह और शाम को रगड़ें। केसर, होठों का कालापन दूर करने के लिए कच्चे दूध में केसर पीसकर होठों पर मलें। इसके इस्तेमाल से होठों का कालापन तो दूर होता ही है, साथ ही वे पहले से अधिक आकर्षक बनने लगते हैं। शहद, शहद के इस्तेमाल से कुछ ही दिनों में आपके होंठ चमकदार और मुलायम हो जाते हैं। इसके लिए थोड़ा सा शहद अपनी उंगली में लेकर धीरे धीरे अपने होंठों पर मलें या फिर शहद में थोड़ा सा सुहागा मिलाकर अपने होंठों पर लगाएं। ऐसा एक दिन में 2 बार करें, फिर देखें इसका असर। अंडे की जर्दी, अंडा खाना आपकी सेहत के लिए तो अच्छा होता ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये होंठों का कालापन दूर करने में भी सहायक होता है। होंठों पर अंडे की जर्दी का लेप लगाने से होंठों की लालिमा बरकरार रहती है। जैतून का तेल, यदि होंठ पूरी तरह से फट चुके हैं और उनमें कालापन भी आ रहा है तो जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल और वैसलीन मिलाकर दिन में 3 या 4 बार फटे होंठों पर लगाने से फायदा होता है। इनका लेप होंठों पर 4-5 दिन लगातार लगाने से होंठों की दरारें भी भरने लगती हैं और होंठ हल्के गुलाबी भी होने लगते हैं। चुकंदर, चुकंदर को ब्लड बनाने वाली मशीन भी कहते हैं। चुकंदर होंठ के लिए भी उतना ही फायदेमंद होता है। चुकंदर को काटकर उसके टुकड़े को होंठों पर लगाने से होंठ गुलाबी व चमकदार बनते हैं। एलोवेरा में फ्लेवोनॉइड होता है जिसे एलोसिन कहते हैं। ये पॉलीफेनोलिक कंपाउंड त्वचा के पिगमेंटेशन की प्रक्रिया को कम कर देता है, जिसकी वजह से होंठों का कालापन कम हो जाता है। एलोवेरा त्वचा का इलाज करता है और कई स्वस्थ पोषक तत्व देने में मदद करता है। होंठों के कालेपन के लिए बेकिंग सोडा के फायदे। होंठों के कालेपन की वजह मृत कोशिकाएं होती हैं। बेकिंग सोडा मृत कोशिकाओं को साफ करता है और त्वचा को स्वस्थ और मुलायम बनाता है। लिप बाम और जैतून का तेल एक्सफोलिएशन के बाद होठों को हाइड्रेट रखने के लिए बहुत जरूरी है। अनार का बीज है काले होठों को गुलाबी करने का तरीका। अनार के पिसे बीज, ठंडा मलाईदार दूध। विधि, सबसे पहले अनार के आधे हिस्से को खोलकर उसमें से बीज निकाल लें, फिर उन बीज को पीस लें। अब पिसे बीज को मलाई के साथ मिलाकर एक पेस्ट बना लें। अब साफ होठों पर इस पेस्ट को लगाएं। लगाने के बाद 10 मिनट तक इसे ऐसे ही लगा हुआ रहने दें। फिर गुनगुने पानी से होठों को साफ कर लें। ये मिश्रण का इस्तेमाल हफ्ते में 2 से 3 बार करें। इससे होठों की रंगत में बदलाव आएगा और पिगमेंटेशन दूर होगा। अनार में पुनिका लॉगिन्स नामक कंपाउंड होता है जो मेलानिन के उत्पादन को कम करता है और होठों के कालेपन को दूर कर उन्हें गुलाबी बनाता है। होठों को गुलाबी करने के लिए गुलाब की पत्तियों के फायदे। गुलाब की पत्तियों में प्राकृतिक तेल और चीनी होती है। ये रूखी त्वचा की कोशिकाओं को मॉइस्चराइज करने में मदद करती है। साथ ही दूध एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर है। इसके अलावा गुलाब की पत्तियों में सूजन रोधी गुण होते हैं जो सूखे होठों को आराम पहुंचाते हैं और उन्हें गुलाबी बनाने में मदद करते हैं। इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई राय या फिर कोई सवाल है, और शेयर कीजिए उन लोगों से जिनको इसकी ज़रूरत है, और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।